हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पृथक क्लासेस में। मैं हूं धर्मपाल पालीवार और आज हमारी इंग्लिश की क्लास जो है वो लगेगी पृथक क्लासेस के इस चैनल पे पहली बार। तो अपन बात करते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो वर्ड है वो दो वर्ड से बिल्कुल बना है, दो अलग अलग वर्ड है। एक होता है परी, एक होता है पोजिशन। ठीक है, अगर बात करें परी की तो परी का मतलब होता है पहले। अगर बात करें पोजीशन की तो पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, जिसको अपन कंडीशन सिचुएशन वगैरह में बोलते हैं। अब आपको जो ध्यान रखना वो क्या है, देखना कि जब कि कोई भी एक जो नाउन होता है, नाउन मतलब एवरीथिंग इज नाउन, ठीक है, तो कोई भी जो नाउन होता है उस नाउन की स्थिति को, उस नाउन की कंडीशन को बयां करने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन बोलेंगे। तो आज अपन प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन जो प्रीपोजिशन पढ़ेंगे वो है इन और इनटू। ध्यान तो देखिएगा, इन और इनटू के बारे में अगर बात करते हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है, में या के अंदर, में या के अंदर। कहने का मतलब ये रहेगा कि जब किसी एक नाउन को, जब किसी एक नाउन को किसी दूसरे नाउन के अंदर दिखाया जाए तो वहां पे आपको यूज करना है इन और इनटू का। एक नाउन जैसे मान लो मैं हो गया, एक नाउन ये कमरा। जब इस एक नाउन को इस एक नाउन के अंदर दिखाया जा रहा है, जब एक नाउन को इस कमरे के नाउन के अंदर दिखाया जा रहा है तो वहां पे आपको इन और इनटू का यूज करना है। ठीक है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस फर्क रहेगा। वो फर्क क्या है, वो ये है, ये रहेगा, आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जो यूज है उसके लिए अपन बोलते हैं कि पहले से अंदर, पहले से अंदर। और जो इनटू है इसके लिए बोलते हैं बाहर से अंदर। अब आपको मैं एग्जांपल की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। आपको ये समझना है कि जब कोई नाउन पहले से अंदर होता है अपन इनका यूज करते हैं, जब कोई नाउन बाहर से अंदर की कंडीशन होती है अपन को इनटू का यूज करना पड़ता है। मैं ये कहूं कि मैं कमरे में पढ़ा रहा हूं, मैं कमरे में क्लास ले रहा हूं, मतलब मैं पहले से क्लास में हूं। आ रही बात समझ में? तो वहां पर आपको यूज करना है इनका, इन क्लास, आई एम टीचिंग यू इन क्लास। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं कमरे में पढ़ाने के लिए आया, अब जब मैं पढ़ाने के लिए अंदर आ रहा हूं तो मेरी कंडीशन है बाहर से अंदर की, और जब बात हो बाहर से अंदर की तो वहां पे आपको किसका यूज करना है, इनटू का यूज करना है। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? आगे देखिए, जैसे आपको मैं ये कहूं कि मैंने नदी में छलांग लगाई, मैंने नदी में छलांग लगाई। यहाँ पे दो सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, एक तो आई जंप्ड इनटू द रिवर एंड सेकंड सेंटेंस अपना ये रहेगा कि आई एम स्विमिंग। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो देखना। यहां पे मैंने कहा कि आई जंप्ड इनटू द रिवर, मतलब मैंने नदी में छलांग लगाई, मतलब पहले मैं नदी से बाहर था, अभी मैंने नदी में छलांग लगाई, तो अपने किसका यूज किया यहां पे, इनटू का। कुछ आई बात समझ में? जब मैं ये कहूं कि आई एम स्विमिंग इन द रिवर, मतलब मैं नदी में तैर रहा हूं, तो मैं पहले से अंदर ही हूं, पहले से मैं तैर रहा हूं, इसका मतलब आपको किसका यूज करना है, इनका। जो आपको मेनली बात ध्यान में रखनी, वापस से बता रहा हूं शॉर्टली, कि इनका यूज होता है, और इन और इनटू दोनों का यूज एक ही चीज के लिए होता है कि जब किसी एक नाउन को किसी दूसरे नाउन के अंदर दिखाया जाए। दोनों में डिफरेंस ये रहेगा, जब नाउन पहले से अंदर हो तो आपको यूज करना है इनका, जब नाउन बाहर से अंदर हो जाए तो आपको किसका यूज करना है, इनटू का। इज इट क्लियर? ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की। नेक्स्ट जो अपनी प्रीपोजिशन रहेगी वो रहेगी ऑन, अपॉन, ओवर, अबव एंड अप। ये जो पांच मैंने जहां पे जो वर्ड लिखे हैं, पांचों का एक ही मीनिंग होता है ऊपर, ऊपर या पर। कहने का मतलब ये होता है एक ही नाउन को जो है एक दूसरे नाउन के ऊपर जो है वो दिखाया जाएगा, लेकिन फिर भी इन पांचों में अलग अलग डिफरेंस होता है। पांच जो है इन पांचों का अलग अलग अर्थ होता है, सेम अर्थ होने के बावजूद जो इनका मीनिंग जो है वो सेम है, लेकिन फिर भी जो है इनमें डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है वो आपको बताता हूं कि जब एक नाउन जो है वो एक दूसरे नाउन के ऊपर होता है तो उसमें भी बहुत सारी कंडीशन होती है। ये एक नाउन है, इसके ऊपर ये दूसरा नाउन जो है ना, तो इसकी कंडीशन बहुत सारी हो सकती है। ये हो गया, एक बीच में गैप हो गया, एक ये देखो ये जो मोशन में होता है, ठीक है, एक ऊपर से ऊपर, ऐसे अलग अलग कंडीशन होती है। तो आपको मैं वन बाई वन एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑन की। ये आपको ध्यान में रखना है कि ऑन का मतलब आप एक वर्ड याद रखो, टी ओ यू सी एच, टच। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं स्पर्श। आपको ध्यान में ये रखना है कि जब कोई एक नाउन किसी दूसरे नाउन के ऊपर हो, जब कोई एक नाउन किसी दूसरे नाउन के ऊपर होता है और साथ में वो दोनों जो आपस में टच में होते हैं, तो आपको वहां पे यूज करना होता है ऑन का। जैसे मैं कहूं कि द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, तो दोनों आपस में स्पर्श में है, टच में है, तो आपको किसका यूज करना है,
ऑन का। सेकंड नंबर पे अपन ओवर देखेंगे पहले एक बार, तो ओवर के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ओवर का मतलब होता है गैप, गैप का मतलब होता है बीच में जो जगह बचती है ना उसको अपन बोलते हैं गैप। ये सेम ही रही कंडीशन, लेकिन ये ध्यान रखना अब की बार जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर रहेगा तो उनमें आपस में गैप होगा। जैसे मैं ये कहूं कि द फैन इज रनिंग ओवर माई हेड, यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो पंखा है वो मेरे सर पे चल रहा है। अपन ने नॉर्मल सेंटेंस में ये बोला है कि पंखा मेरे सर पे चल रहा है। अब पंखा सर पे तो चल रहा है लेकिन बीच में क्या होता है, गैप होता है। जब बीच में गैप हो तो आपको वहां पे किसका यूज करना है, ओवर। इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही है सबको। जब कोई एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर दिखाया जाएगा लेकिन दोनों के बीच में हो गैप तो आपको वहां पे किसका यूज करना है, ओवर का यूज आपको करना है। थर्ड जो रहेगा अपना वो रहेगा अपॉन। अपॉन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि अपॉन के लिए आपको ये ध्यान रखना है, आपको एक वर्ड याद रखना, मोशन। हिंदी में अपन इसको बोल देते हैं गति। क्या बोल देते हैं, गति। कहने का मतलब ये रहेगा कि जब कोई एक नाउन जो है वो दूसरे नाउन के ऊपर जब आता है एक बार के लिए तो उसमें मोशन होना जरूरी है, उसमें गति जो है वो होना कंपलसरी है। जब गति उसमें होती है तो वहां पे आपको किसका यूज करना है, अपॉन का यूज आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं द कैट जंप्ड अपॉन द माइस, यहां पे आप देख पा रहे हैं कि एक बार के लिए जब जैसे ही बिल्ली जो है वो चूहे पे छलांग लगाएगी तो उसकी कंडीशन ये रहेगी, एक बार के लिए वो उसके ऊपर आएगी। अब वो या तो उसके ऊपर गिरेगी उससे आगे गिरेगी, आ रही बात समझ में। तो एक टाइम ऐसा रहेगा जब वो उसके ऊपर रहेगी और उस बिल्ली के अंदर क्या रहेगा, मोशन, गति रहेगी। आ रही बात समझ में, जब ऐसी कंडीशन हो तो आपको किसका यूज करना है, अपॉन का यूज आपको करना है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट जो अपना रहेगा वो रहेगा अबो। अबो के लिए से बोलते हैं कि ऊपर से भी ऊपर, ऊपर से भी ऊपर। जब कोई नाउन ऑलरेडी ऊपर ही होता है उसके ऊपर अपन किसी दूसरे नाउन को दिखाते हैं ना तो वहां पे अपन को यूज करना होता है अबो को। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल से अगर आपको मैं एग्जाम्पल बताऊं कि द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबो क्लाउड्स और स्काई, अब आपको जो यहां पे ध्यान रखना है वो ये कि द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव क्लाउड्स और स्काई, कि जो पक्षी है वो आकाश पर या बादलों पर उड़ रहे हैं। तो बादल जो होते हैं, जो आकाश होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, ऊपर, और उनसे ऊपर अपन किनको दिखा रहे हैं, पक्षियों को, बर्ड्स को। आ रही बात समझ में, जब किसी एक नाउन को ऊपर से भी ऊपर दिखाया जाए, किसी दूसरा नाउन जो ऑलरेडी ऊपर है और उससे ऊपर दूसरा नाउन अगर दिखाया जाए तो आपको वहां पे किसका यूज करना है, अबव का। इज इट क्लियर। लास्ट जो अपना रहेगा वो रहेगा अप। अप के लिए आपको ये ध्यान रखना है, अब मैं यहां पे एक एरो का निशान बना रहा हूं, उससे आप समझ पाएंगे शायद, ऊपर की ओर, बोलने में से बोलेंगे ऊपर की ओर। जब भी आप कभी क्लास में वगैरह में होते हो तो आप इससे आराम से समझ पाएंगे। जैसे अपन क्लास में कभी भी जाते हैं, इंटर करते हैं, टीचर आता है, वेलकम करते हो, ठीक है। वेलकम करने के बाद में टीचर आपसे बोलता है कि सिट डाउन, सिट डाउन। एक होता है स्टैंड अप, अपन बोलते हैं किसी को स्टैंड अप, तो स्टैंड अप का मतलब होता है ग्रो करना। जब नीचे से ऊपर की ओर अपन किसी चीज की ग्रो करते हैं ना तो वहां पे अपन किसका यूज करते हैं, अप का। जैसे मैं कहूं द ट्री इज ग्रोइंग अप। अब इसके साथ ग्रोइंग के साथ अपन अप लगाएंगे, और अप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पेड़ जो है वो नीचे से ऊपर की ओर वृद्धि कर रहा है, ठीक है। और कोई भी नाउन जब नीचे से ऊपर की ओर वृद्धि कर रहा हो तो वहां पे अपन को किसका यूज करना होता है, अप का यूज करना होता है। अपन जैसे किसी को बोलते हैं स्टैंड अप। स्टैंड अप में आपको क्या ध्यान रखना है वो देखिए, अपन नॉर्मली बोलते हैं स्टैंड अप। स्टैंड अप का मतलब खड़े हो जाओ, मतलब कोई जो नीचे बैठा हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं कि खड़े हो जाओ। तो नीचे से ऊपर की ओर खड़ा होता है, आ रही बात समझ में। एक उसमें एक बार के लिए ऐसा टाइम आता है कि वो नीचे से ऊपर की ओर गति कर रहा होता है। जब ऐसी कंडीशन हो तो वहां पे आपको किसका यूज करना होता है, आपका। वापस से आपको थोड़ा सा स्पीडली बता रहा हूं, सुनते जाना, समझते जाना। शॉर्ट लिखकर आपको किसी को एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे करेंगे, ऑन, अपॉन, ओवर, अबव एंड अप। ध्यान में आपको ये रखना है ऑन का यूज भी ऊपर के लिए होता है लेकिन नाउन जो आपस में क्या रहेंगे, टच में रहेंगे। अपॉन का यूज कब होता है, जब ऊपर जो नाउन होता है वो गति कर रहा हो। ओवर का यूज जब बीच में गैप हो। अबो का यूज ऊपर से ऊपर, एंड अप का यूज होता है जब नीचे से ऊपर की ओर गति करें। एक जो स्पेशल नोट आपको मैं बताना भूल गया था वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको अभी ये बताया कि कोई एक नाउन के ऊपर दूसरा नाउन जब टच में हो अपन किसका यूज करते हैं, ऑन का, राइट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कोई एक नाउन के ऊपर दूसरा नाउन हो उसको टच कर रहा हो, टच करने के साथ में अगर उसको पूरा कवर कर ले, समझ रहे हो मेरी बात को, जैसे मैं ये कहूं कि आई स्प्रेड द ब्लैंकेट ओवर द कोट, जब मैंने
चारपाई के ऊपर कंबल या चादर जो होती है उसको जब अपन बिछाते हैं, तो बिछाने के बाद में क्या होता है कि उस पूरी चारपाई को जो है वो चादर जो होती है वो कवर कर लेती है। जब कवर कर ले तो वहां पे आपको ओवर का यूज करना है। हालांकि मैंने ये बताया था कि जब टच में हो तो अपन यूज करते हैं स्पर्श का, लेकिन जब टच में हो और उसको पूरा कवर कर ले तो वहां पे आपको किसका यूज करना है? ओवर का यूज करना है। आई स्प्रेड द ब्लैंकेट ओवर द कॉट ओवर द बेड। ओके, आज के लिए इतना काफी है और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल से लगातार जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।